बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। हम अगर सबसे पहले डॉलर के मुतालिक बात करें जो कि 279 रुपए प्लस में जा रहा है अभी भी, और अगर हम रियाल रेट की बात करें, वैसे IMF की तरफ से ये आज कहा गया है जी कि मैं बयान देख रहा था कि पाकिस्तानी जो मौजूदा गवर्नमेंट आने वाली है, अभी तो आपको पता है जो खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान में, कोई पता नहीं कौन वज़ीर आज़म होगा और कौन भाई क्या मामला था आपके सामने है, जो भी सूरत हाल है। बहरहाल जो मौजूदा गवर्नमेंट आने वाली है, इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि IMF के साथ कैसे चला जाए। तो भाई अगर तो डीलें फाइनल हो जाती है टाइम से, ये भी आपको क्लियर कर दूँ मैं, फिर हो सकता है डॉलर और रियाल में इतना इजाफा ना हो, और अगर IMF के साथ हमारा मुआहदा जो भी चल रहा है वो तखीर का शिकार हुआ तो फिर भाई छलांगें लगेंगी, लंबी छलांगें, ये आपको क्लियर कर दूं मैं। बहरहाल हम अगर डॉलर के मतलब बात करें, आपको बता दीजिए जैसे 279 पे प्लस में, अगर रियाल रेट की बात करें, ओपन मार्केट का रेट आपको दिखा रहा हूँ मैं HPL का, ये भाई 74.30 रुपये दे रखे हैं, और वैसे ओपन मार्केट में 74 रुपये से लेकर 74.70-80 रुपये तक रियाल मिल रहा है। ये तो भाई मैं अपने जो आपको तफसील बताई है ये पाकिस्तानी मैंने रुपए के हिसाब से बताई है, और अगर हम मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें यहाँ सऊदीया से, तो एक्सचेंज रेट पहले आप देख लें आज का 74.50 रुपये, एंड इंडिया भाई 22.10 रुपये, बांग्लादेश टका 29.26 रुपये। अभी कुछ भाई बोलते हैं जी कि भाई आप कतरी रियाल या दरहम के अंदर अलग बता दिया करें, चलो कोशिश करेंगे उसको भी शॉर्ट से ऐड कर दिया करें। तो बहरहाल बैंकों के हिसाब से अगर बात करें मुख्तलिफ, तो इनमें मनीग्राम जो आज का इनका रेट रहा 73.75 रुपये 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अब कुछ भाई मुझे ये भी आपको क्लियर कर दो, कुछ भाई मुझे कमेंट करके बोलते हैं भाई रियाल तो बढ़ नहीं रहे, आप बोल रहे हैं रियाल में बड़ा इजाफा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यार देखें 5-10 पैसे का इजाफा हो रहा है रियाल में अभी, और अगर बात करें ना ये रेट जो 73 या 74 है, आपको पता है ये रेट को कम नहीं है, ये रेट अच्छा चल रहा है, इसमें इजाफा होगा, ये क्लियर बात है। कितने दिनों में होता है ये आने वाले दिनों में देखते हैं। बहरहाल टेली मनी यानी कि ANB बैंक की हम बात करें, तो भाई इनका आज का रेट 73.76 रुपये 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर तहवील राजी बैंक की बात करें तो इनका आज का रेट 73.70 रुपये है जी, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। एंड अगर STCPA की बात करें तो इनका आज का रेट 73.63 रुपये 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है इनकी भी। फौरी बैंक जजीरा की अगर बात करें तो इनका आज का रेट 73.80 रुपये है, अच्छा रेट है, 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है जी इनकी भी। और अगर आप इंजाज बैंक से भेजना चाह रहे हैं तो इंजाज बैंक का आज का रेट 73.72 रुपये 10, 17, 23 रियाल फीस। क्विक पे की बात कर लें 73.84 रुपये रेट, अच्छा रेट है, 10, 17 और 23 रियाल फीस। अगर हम फ्रेंडी की बात करें, सॉरी जी फ्रेंडी की, तो फ्रेंडी आज का जो रेट दे रहे हैं भाई वो 73.65 रुपये है, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। आने वाले दिनों में रियाल में इजाफा होगा, मेरे मुताबिक आपकी इसके मतलब क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।